नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्सिंग को बाइंड अप किया था, पार्सिंग हम लोग का ख़त्म हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। क्या होता है बेसिकली? अब तक हम लोगों ने जो पार्सिंग में देखा था, कैसे हाउ टू कंस्ट्रक्ट पार्स ट्री यूजिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से कैसे हम पार्स ट्री बनाते थे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसको हम लोगों ने देखा था। अब हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? सिंटैक्स ट्री जब हम पार्स ट्री बनाते थे तो किसी ग्रामर से बनाते थे, बट सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में क्या है, ग्रामर और कुछ सिमेंटिक रूल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो गया एसडीटी? एसडीटी का मतलब हो गया ग्रामर प्लस सम सिमेंटिक रूल्स। सिमेंटिक रूल्स क्या होता है? ये पहले हम क्या करते थे, सिर्फ ग्रामर रहता था और ग्रामर से हम पार्स ट्री बना लेते थे, बट अब क्या है, एसडीटी में ग्रामर रहता है, साथ में आपके सिमेंटिक रूल भी रहते हैं। क्या होते हैं ये सिमेंटिक रूल, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, कैसे क्या चीजें होती हैं, इसको हम देखेंगे सिमेंटिक रूल पे। बेसिकली आपको पता है सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है। सिमेंटिक एनालिसिस जब चेक करता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, मतलब जो भी पार्स ट्री बनता है उसको, उसकी टाइप चेकिंग वगैरह का काम सिमेंटिक एनालिसिस फेज में होता है। कैसे होता है उसको हम देखेंगे। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लें। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, नंबर वन आपका क्या होता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। सपोज कोई आपका पार्स ट्री है, जैसे सपोज कोई ये नोड है ए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, सपोज ये कोई ट्री है, तो अगर किसी भी नोड की जैसे सपोज इसमें एक ए नोड है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस ए नोड के चिल्ड्रन है और ए जो है क्या है आपका x1 x2 और x3 का पैरेंट नोड है। अगर किसी भी नोड की वैल्यू को उसके चिल्ड्रन की वैल्यू से कंप्यूट किया जाए तो वहां पे उसको बोलते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये कोई ए नोड है, इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू इसके चिल्ड्रन मतलब x1 से या x2 से या x3 से, मतलब इनमें से किसी से भी के एट्रीब्यूट से अगर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम डिटरमीन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे
a dot num is equal to f of x1 comma x2 comma x3. मतलब a की a का जो एट्रीब्यूट है वो या तो इसके एट्रीब्यूट से कंप्यूट होगा या इससे मतलब इनमें से ही या तीनों की हेल्प से, मतलब जो भी एट्रीब्यूट हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिन करेंगे वो उसके चिल्ड्रन से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट num इज इक्वल टू f ऑफ चिल्ड्रन. मतलब उसके चिल्ड्रन पे डिपेंड करता है. ठीक, ये रहा सिंथेसाइजर ट्रीब्यूट. चलिए सेकंड देखते हैं. चलिए सेकंड है आपका, ये हो गया सिंथेसाइज एट्रीब्यूट. सेकंड है आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर कोई भी पार्स ट्री है तो उसके किसी भी नोड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर हम उसके पैरेंट नोड और उसके सिबलिंग नोड से अगर हम कंप्यूट करें तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. जैसे ये हमारा कोई नोड है x1, x2 एंड x3. यहाँ पे a क्या है? x1, x2 और x3 का पैरेंट नोड है. और x1, x2 और x3 क्या है? a नो a का क्या है? चिल्ड्रन नोड है. तो अगर सपोज हमको कोई नोड है हमारा x3, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर कंप्यूट करना है तो अगर हम इसके पैरेंट नोड मतलब a और x1 और x2 की हेल्प से अगर कंप्यूट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. जैसे इसको अगर लिखना हो a डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ पेरेंट ऑब्लिक सिबलिंग्स, कहने का मतलब क्या है? ऐसे भी कह सकते हैं a डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ पेरेंट क्या हो गया आपका a हो गया और सिबलिंग आपका हो गया x1 x2. ठीक है, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट. तो ये ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी जानने के लिए, इसको हम लोगों ने जान लिया. अब इसके बाद हम थोड़ा सा चलेंगे SDT की तरफ कि क्या होता है SDT, उसको देखेंगे. चलिए हम लोगों ने पार्स ट्री पढ़ा था, बट यहां पे हमको क्या पढ़ना है? एनोटेड पार्स ट्री. एनोटेड पार्स ट्री क्या होता है? अगर कोई पार्स ट्री दिया हुआ है और साथ ही साथ
उस पार्स ट्री में उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी अगर लिखा गया है तो उस ट्री को बोलते हैं हम पार्स ट्री। क्या होता है, कैसे होती चीज़ें, एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। जैसे कोई एग्जांपल है आपका, ग्रामर दिया गया है e tends to e plus t, e tends to t, t tends to t st cap, t tends to f and f tends to id। ये आपके ग्रामर दिए गए हैं और हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग कुछ एट्रीब्यूट वैल्यू दी गई हैं, एट्रीब्यूट डेफिनेशन दी गई हैं, या फिर ये कह सकते हैं सिमेंटिक रूल लिखा गया है। इसका सिमेंटिक रूल क्या है, e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू e डॉट वैल्यू प्लस t डॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या है, e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू। ठीक, थर्ड में आइए, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू एस्ट्रिक f डॉट वैल्यू। फोर्थ आइए, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू। लास्ट, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id। ठीक, और इनपुट इज इक्वल टू दिया गया है आपका 2 + 3 * 4, then what will be the output for this input? ये question दिया गया है। देखिए, ये productions दिए गए हैं और हर productions के corresponding कुछ semantic rule दिए गए हैं, और उसके बाद क्या किया गया है, ये input है, ये input string है, इस input स्ट्रिंग के लिए आउटपुट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट हमको कंप्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनपुट है इसके लिए हम पार्स ट्री बनाएंगे। तो चलिए पार्स ट्री बनाते हैं। ये f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id का मतलब ये है, कोई भी आइडेंटिफायर, मतलब 2, 3, 4 कोई भी id डॉट नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, या सीधे यहाँ पे आप id रहने दीजिए, नम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नम मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। चलिए हम बनाते हैं पार्स ट्री e टेंड्स टू e प्लस टी। ठीक, पार्स ट्री कैसे बनता है ये तो हम जानते ही हैं, पार्स ट्री बनाने के लिए पार्सिंग मेथड में पढ़ाया गया है, बट मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक एफ। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ई टेंड्स टू टी एंड टी टेंड्स टू एफ एंड एफ टेंड्स टू आई डी is equal to 2 t tends to f, f tends to id is equal to 3, f tends to id is equal to 4। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 + 3 * 4 के लिए हमारा पार्स ट्री बन गया। id इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, id इज इक्वल टू 3, id इज इक्वल टू 4। 2 + 3 * 4 के लिए हमने क्या कर लिया, पार्स ट्री बना लिया यूजिंग दिस प्रोडक्शंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ सिमेंटिक रूल्स दिए गए हैं, इन सिमेंटिक रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करके फाइनली वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और वही आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। क्यों, क्योंकि ये इनपुट है, इस इनपुट के लिए हमने पार्स ट्री बना लिया, अब इस सिमेंटिक रूल को अप्लाई करके हम आउटपुट कंप्यूट कर लेंगे। तो चलिए
ये तो id है, तो id पे तो डायरेक्टली वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे क्या है f है, तो क्या हो गया f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए f टेंड्स टू id यूज हुआ है, f टेंड्स टू id, f टेंड्स टू id में क्या है f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id, तो क्या है डायरेक्टली वैल्यू ले ली जा रही है f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या है t टेंड्स टू f से ये हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, देखिए t टेंड्स टू f में क्या किया गया, t टेंड्स टू f में क्या किया गया t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, तो t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गया 2। अब यहाँ पे आइए देखिए क्या है e टेंड्स टू t यूज हुआ है, ये वाला प्रोडक्शन e टेंड्स टू t, तो क्या है e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू, यहाँ पे 2 कंप्यूट हुआ है 2। अब चलिए इसको कंप्यूट करते हैं, अगर हम इस पे कंप्यूट करेंगे तो हमको राइट सब ट्री की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से पहले राइट सब ट्री को भी कंप्यूट कर लें। अब चलिए यहाँ पे आते हैं f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id हो जाएगा दैट इज 3, यहाँ पे क्या है t टेंड्स टू f है, तो क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t टेंड्स टू f का क्या है यहाँ पे t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, और f डॉट वैल्यू क्या है 3। फिर यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id, id इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हम इस पे आएंगे t टेंड्स टू t एस्ट्रिक f है, t टेंड्स टू t एस्ट्रिक f है, तो क्या है t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू एस्ट्रिक f डॉट वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस t पे t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस t डॉट वैल्यू दिस एस्ट्रिक f डॉट वैल्यू दिस f डॉट वैल्यू, इसको कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू क्या है 3 एस्ट्रिक f डॉट वैल्यू क्या है 4, जो यहाँ पे रखेंगे हम 4 हो गया, फाइनली क्या हो गया t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक, अब आप देखें हमारा लेफ्ट सबट्री की वैल्यू यहाँ रूट नोड के लेफ्ट सबट्री की वैल्यू 2 आई है और राइट सबट्री की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, तो रूट नोड पे हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं, इस पे e यहाँ पे क्या है e tends to e plus t, मतलब first वाला production e tends to e plus t, e dot value is equal to क्या है e dot value plus t dot value, तो क्या हो गया root node पे value निकालते हैं हम compute करते हैं e dot value is equal to e dot value plus t dot value। ठीक, तो यहाँ पे e dot value इसका left subtree है, यहाँ पे e डॉट वैल्यू क्या आया है 2 प्लस t डॉट वैल्यू इसका राइट सबट्री है, t डॉट वैल्यू कितना है 12, तो क्या हो जाएगा e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो फाइनली आपका आउटपुट क्या आएगा e dot value is equal to 40, this is your output। ठीक है, इसमें क्या किया गया, बेसिकली सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए गए थे और उस हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ सिमेंटिक रूल दिए गए थे और एक इनपुट दिया गया था 2 प्लस 3 एस्ट्रिक 4 और उसके लिए हमको आउटपुट निकालना, तो हम क्या किए जो प्रोडक्शंस दिए गए थे, जो ग्रामर दिए गए थे, रूल दिए गए थे, उसकी हेल्प से हमने जो इनपुट दिया गया था उसके लिए हमने पार्स ट्री बनाया और फिर उसको पार्स ट्री बनाने के बाद
जो सिमेंटिक रूल दिए गए थे उन रूल्स की हेल्प से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, फाइनली हमारा आउटपुट क्या आया, 14। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन सिंपल था जिसमें रूल दे दिया गया था, इनपुट दिया था, आउटपुट पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी दे देते हैं कि ये रूल ना देके आउटपुट दे देंगे और ये रूल आपको खुद लिखना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ रूल्स मिसिंग कर देते हैं और फाइनली जो इनपुट होगा, सपोज यही है आपका आउटपुट देता 14 और कोई एक रूल मिसिंग कर देता, एक कोई रूल हटा देता, तो आपको उसको आउटपुट और इनपुट की हेल्प से हमको वो रूल लिखना पड़ता, वो सिमेंटिक रूल हमको लिखना पड़ता। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें सिमेंटिक रूल लिखने को पूछता, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है कंपेरिजन टू दिस वन। इसमें तो सिमेंटिक रूल लिखा हुआ है, फाइनली हमको आउटपुट ही सिर्फ निकालना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एसडीटी विच विल टेक इनफिक्स एज एन इनपुट एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन as an output and the productions are e tends to e plus t, e tends to e minus t, e tends to t, t tends to 0, t tends to 1, t tends to 2, up to t tends to 9. तो ये हमारे कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और हमको एक एसडीटी बनाना है जिसमें ये रूल लिखने हैं, हमको सिमेंटिक रूल ऐसे रूल लिखने हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन एज एन इनपुट दें तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एज एन आउटपुट हमको मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे सपोज इनफिक्स क्या हो गया आपका 2 माइनस 3 प्लस 4, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा 2 3 माइनस 4 प्लस, यही होगा। कैसे 2 3 माइनस 4 प्लस, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट क्यों ऐसे है, क्योंकि ये हो गया आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब ये इनपुट है, ये आउटपुट मिलना चाहिए, इसके लिए हमको
इन ग्रामर्स के लिए, इन प्रोडक्शंस के लिए सिमेंटिक रूल लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये इनफिक्स है, ये हमारा हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो जो हमारा इनपुट है उसके लिए हम क्या करें, ट्री बना लें। बनाते हैं e tends to e plus t, फिर e tends to e minus t, ठीक, फिर e tends to t, और t tends to जो जरूरत हो आप कर सकते हो, 2 कर लो, t tends to 3 कर लो, और t tends to 4, ठीक है, 2 minus 3 plus 4, 2 minus 3 plus 4 के लिए हमने पार्स ट्री बना दिया। अब हमको क्या करना है, ये पार्स ट्री तो हमने बना दिया, अब हमको हर प्रोडक्शन के लिए सिमेंटिक रूल लिखना है। इस तरह से लिखना है कि हमको फाइनली आउटपुट ये मिले, मतलब जो हमारा इनपुट है उसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, ये तो हमको खुद सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। भाई जब ये t tends to 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, t की वैल्यू ही 2 हो जाएगी। जब यहाँ पे होगा e tends to e minus t, जैसे यहाँ पे है e tends to e minus t, तो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए, e dot value is equal to e dot value into t dot value और लास्ट में माइनस। पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के बाद आते हैं। तो उसी तरह से हम देखिए लिखते हैं, अगर हम इसकी बात करें e dot value is equal to e dot value dot t dot value लास्ट में प्लस, ठीक। सेकंड में आइए, e tends to e minus t में e dot value is equal to e dot value into t dot value बाद में माइनस, ठीक। e tends to t है, कुछ नहीं होगा, सिंपल है, e dot value is equal to t dot value, और ये जो है t tends to 0, t tends to 1, t tends to 2, इसमें क्या करना है, t dot value is equal to 0, यहां पे क्या करेंगे, t dot value is equal to 1, यहां पे क्या करेंगे, t dot value is equal to 2 up to similarly t dot value is equal to 9, 1 2 3 4 up to 9 तक। तो चलिए ये हमने रूल लिख दिया चेक करने की के लिए कि क्या ये हमको फाइनली आंसर, ये हमको आउटपुट मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। यहां पे क्या है, t tends to 2, तो क्या हो जाएगा, t dot value is equal to 2, e tends to t है, मतलब e tends to t ये है आपका, तो क्या मिला, e dot value is equal to t dot value, तो क्या करेंगे, e dot value is equal to t dot value is equal t dot value क्या है, ये नीचे की 2 है, 2, फिर इधर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, t dot value is equal to ये आपका 3, ठीक। इस पे कंप्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, e tends to e minus t, e tends to e minus t, तो क्या हो जाएगा, e dot value is equal to e dot value into ये e dot value equal to e dot value into t dot value, into t dot value, और लास्ट में फिर क्या देखें,
e tends to e minus t, e dot value is equal to e dot value into t dot value into minus, लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस. तो फाइनली क्या हमको यहां पे मिल जाएगा, e dot value is equal to, कहां पे लिखूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, e dot value is equal to, e dot value क्या है, इसके लेफ्ट सबट्री से क्या मिला हमको 2 into राइट सबट्री आपका क्या है, t dot value क्या मिला है यहां पे 3, 2 into 3, और लास्ट में क्या मिल गया हमको माइनस. ये हमको मिला ये वैल्यू इस वाले नोट पे. ठीक, अब हम देखते हैं यहां पे t tends to 4 पे तो क्या हो जाएगा, t dot value is equal to 4. ठीक, चलिए अब रूट नोट पे आते हैं. लेफ्ट सबट्री की वैल्यू हमारी 2.3 माइनस आया है और राइट सबट्री की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है. तो हम e tends to e plus t है, e tends to e plus t है तो क्या हो जाएगा, e dot value is equal to e dot value into t dot value plus, तो क्या हो जाएगा, e dot value is equal to e dot value t dot value last में plus, तो क्या हो गया, e dot value is equal to e dot value, left subtree की value कितनी आई है, 2.3 minus, और t dot value, ये देखिए left subtree की value हो गई है, right subtree की value क्या आई है, 4, और फिर last में plus. तो देखिए हमको finally, ये देखिए मिल गया हमको, क्या, 2.3 minus 4 plus, यही तो हमारा output था, यही तो हमारा देखिए output था. तो कहने का मतलब क्या है, जो हमने ये सिमेंटिक रूल लिखा है हर ग्रामर के करेस्पॉन्डिंग वो सही है, और यही हमको लिखना था. ये तो हमने आंसर को चेक किया है, तो इसलिए चेक किया है मैंने, क्या हमने जो रूल लिखा है वो सही है कि नहीं. कैसे पता चला, जो रूल लिखा उसको हमने एग्जीक्यूट कराया और फाइनली जो हमको पोस्ट फिक्स मिलना चाहिए था वो हमको मिल गया. तो इस तरह से हमने रूल को लिखा. कैसे लिखा, सबसे पहले जो प्रोडक्शन दिए गए थे, उन प्रोडक्शंस की हेल्प से जो इन फिक्स जो इनपुट दिया गया था उसके लिए हमने पार्स ट्री बनाया, और फिर आउटपुट क्या होना चाहिए, जो इन फिक्स है उसी का इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आना चाहिए, उसके लिए हमने सिमेंटिक रूल लिखा, और ये हमारा फाइनली सिमेंटिक रूल है और ये उसका एनोटेड पार्स ट्री है. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. चलिए कंस्ट्रक्ट एस डी टी क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट एस डी टी विच विल टेक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एज एन इनपुट and produces number of reductions required. Production क्या है, e tends to
ई प्लस टी, ई टेंड्स टू टी, टी टेंड्स टू टी एस टी एफ, टी टेंड्स टू एफ एंड एफ टेंड्स टू आई डी। ठीक है, हमको एक एस डी टी कंस्ट्रक्ट करना है जो कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एज एन इनपुट ले और फाइनली नंबर ऑफ रिडक्शंस रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ रिडक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो एज एन आउटपुट कंप्यूट करके दे। तो हम चलिए कोई इनपुट लेते हैं, सपोज इनपुट ले लिया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 2 + 3 * 4। ठीक है, ये हमने सपोज इनपुट अपने से सपोज कर लिया, इसको हमने लिया। तो क्या करेंगे हम, जो इनपुट है उसके लिए हम पार्स ट्री बनाएंगे। e टेंड्स टू e प्लस t, फिर t टेंड्स टू t एस्ट्रिक f, ठीक है, फिर t टेंड्स टू f और f टेंड्स टू क्या हो जाएगा id, मतलब हो जाएगा 3, id इज इक्वल टू 3, f टेंड्स टू id इज इक्वल टू 4 और e टेंड्स टू आपका हो जाएगा t और t टेंड्स टू f, f टेंड्स टू id इज इक्वल टू 2, 2 + 3 * 4 जो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया था हमने उसके लिए क्या किया, एक पार्स ट्री बना लिया। अब हमको नंबर ऑफ रिडक्शंस निकालना है, उसके लिए हमको सिमेंटिक रूल लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, व्हाट हाउ टू डू ओवर हियर, थोड़ा सा सोचेंगे। जैसे हम जब यहाँ पे f की वैल्यू, f से ही हमेशा id हो रहा है, f टेंड्स टू id, तो जब f की वैल्यू कंप्यूट हो तो सीधे 1 हो जाए। और यहाँ पे क्या है, t, अगर t की हमको वैल्यू कंप्यूट करनी है तो क्या करना पड़ता है, t टेंड्स टू f एंड f टेंड्स टू id, मतलब जो हम पहले हमको दो स्टेप चलना पड़ रहा है, जितना हमको f की वैल्यू कंप्यूट करना है प्लस 1, इसी तरह से e करेंगे, e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस दिस t डॉट वैल्यू। जैसे देखते हैं, चलिए अगर f डॉट वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि जब हम f की वैल्यू कंप्यूट करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन, एक ही रिडक्शन की जरूरत पड़ रही है, f टेंड्स टू id और id पे हमको वैल्यू मिल जा रही है। चलिए अब हम बात करें इस नोड की, t टेंड्स टू f की, तो क्या हो जाएगा, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस f डॉट वैल्यू प्लस 1, f डॉट वैल्यू प्लस 1, भाई यहां तक जो कंप्यूट हुआ होगा प्लस 1, ठीक। चलिए फिर ये देखते हैं e टेंड्स टू t वाला, इसमें e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस t डॉट वैल्यू प्लस 1, सॉरी वैल्यू नहीं, काउंट नंबर ऑफ रिडक्शंस, f डॉट cnr यहां यूज करना है, काउंट नंबर ऑफ रिडक्शन, f डॉट cnr काउंट नंबर ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू 1, t डॉट काउंट नंबर ऑफ रिडक्शन cnr, f डॉट cnr इज इक्वल टू f डॉट cnr प्लस 1, cnr बोले तो काउंट नंबर ऑफ रिडक्शन। इसी तरह से यहां पे देखेंगे e डॉट cnr काउंट नंबर ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू t डॉट cnr, मतलब t की को का नंबर ऑफ रिडक्शंस, तो e डॉट cnr इज इक्वल टू t डॉट cnr प्लस 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी t टेंड्स टू t एस्ट्रिक f की, t टेंड्स टू t एस्ट्रिक f की, अगर सपोज इधर जितने रिडक्शन मिलेंगे दिस प्लस इधर जितने रिडक्शन मिलेंगे दिस और एक इन दोनों रिडक्शंस को ऐड करने पे प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ रिडक्शंस फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री प्लस नंबर ऑफ रिडक्शंस फ्रॉम द राइट सब ट्री प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, t
dot cnr is equal to this dot cnr left subtree ho gaya plus f dot cnr right subtree plus 1. देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक है बट हमको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमको नंबर ऑफ रिडक्शंस कंप्यूट करना है, तो मैं प्लस से ही कंप्यूट कर लूंगा। अभी चेक हो जाएगा आंसर, अभी हम चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e टेंड्स टू e प्लस ट्री है, तो क्या हो जाएगा e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिडक्शंस इन लेफ्ट सब ट्री प्लस नंबर ऑफ रिडक्शंस इन राइट सब ट्री प्लस 1। देन क्या होगा, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू e डॉट सी एन आर प्लस t डॉट सी एन आर प्लस 1। ये हमने सिमेंटिक रूल लिखा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, आउटपुट कितना आना चाहिए। नंबर ऑफ रिडक्शंस पूछा गया है, देखिए एक नंबर ऑफ रिडक्शन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये एक हो गया ये 7, फिर ये हो गया हमारा 8। 8 नंबर ऑफ रिडक्शंस आने चाहिए, मतलब आउटपुट 8 आना चाहिए। हम इस रूल से ट्रेस करते हैं, चेक करते हैं। यहां क्या हो गया, एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू क्या है, एफ टेंड्स टू आई डी है, देखिए एफ टेंड्स टू आई डी है, तो एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ हो गया 1, ठीक। इसके बाद क्या है, टी टेंड्स टू एफ, टी टेंड्स टू एफ में क्या है, टी डॉट सी एन आर इज इक्वल टू एफ डॉट सी एन आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, टी डॉट सी एन आर इज इक्वल टू एफ डॉट सी एन आर क्या है 1, एफ डॉट सी एन आर प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक, चलिए फिर ऊपर चलते हैं e टेंड्स टू t के लिए, तो e टेंड्स टू t के लिए क्या है, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू t डॉट सी एन आर प्लस 1, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू t डॉट सी एन आर प्लस 1, मतलब क्या हो गया, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू t डॉट सी एन आर 2 प्लस 1 दैट इज 3। इसी तरह से हमको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू आई डी और एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू 1 है, टी टेंड्स टू एफ है, ये वाला सब यहाँ पे क्या लग रहा है, टी डॉट सी एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट सी एन आर प्लस 1 दैट इज 2। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा एफ डॉट सी एन आर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे इस टी पे देखिए निकालते हैं, इस टी पे t टेंड्स टू t एस्ट्रिक एफ है, देखिए t टेंड्स टू t एस्ट्रिक एफ में क्या है, t डॉट सी एन आर इज इक्वल टू t डॉट सी एन आर प्लस एफ डॉट सी एन आर प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, t डॉट सी एन आर इज इक्वल टू दिस t डॉट सी एन आर जो कि क्या है आपका 2 है, 2 है ना, प्लस दिस एफ डॉट सी एन आर जिसकी वैल्यू क्या है 1, और फिर t डॉट सी एन आर प्लस एफ डॉट सी एन आर प्लस 1 प्लस 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा, t डॉट सी एन आर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। ये हमको मिला इस नोड पे वैल्यू, और ये हमारा रूट नोड है, इसके लेफ्ट सबट्री से सी एन आर की वैल्यू कितनी है, अकाउंट नंबर ऑफ रिडक्शन 3, और राइट से कितना आया है 4, ठीक है। चलिए हम रूट पे निकालते हैं, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू यहाँ देखते हैं e टेंड्स टू e प्लस t, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू e डॉट सी एन आर प्लस t डॉट सी एन आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू e डॉट सी एन आर क्या है दिस e डॉट सी एन आर 3 आया है आपका ये 3, प्लस t डॉट सी एन आर कितना आया है 4 प्लस 4 e डॉट सी एन आर इज इक्वल टू e डॉट सी एन आर प्लस t डॉट सी एन आर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। हमको फाइनली कितने नंबर ऑफ रिडक्शंस आए, 8। हमारा आना क्या चाहिए था, 8 ही आना चाहिए था, हमने मैन्युअली चेक किया था 8 आया था, और हमने फिर रूल के अकॉर्डिंग भी चेक किया, सिमेंटिक रूल के अकॉर्डिंग भी चेक किया, तो
तो हमारा 8 आया। तो आज हमने तीन क्वेश्चन देखे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा जिसमें इनपुट दिया हुआ है, सिमेंटिक रूल भी लिखा हुआ है हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग, और हमको फाइनली आउटपुट निकालना था। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा इनपुट दिया गया था एज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को एज एन इनपुट दिया जा रहा है, और हमको ऐसा सिमेंटिक रूल लिखना है हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो कि उसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जनरेट हो। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे, सेमेंटिक रूल्स लिखे, और फाइनली हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमको मिला। ये हमारा तीसरा एग्जांपल था जिसमें हमको कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए नंबर ऑफ रिडक्शंस रिक्वायर्ड, कितनी ज़रूरत है नंबर ऑफ रिडक्शंस की, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको कंप्यूट करना है, उसके लिए सेमेंटिक रूल लिखना था। तो हमने सपोज ये इनपुट लिया था 2+3s^4, तो उसके लिए हमने पार्स ट्री बनाया। तो हमको इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए हमको पार्स ट्री बनाने में टोटल 8 सब्स्टिट्यूशन लगे, 8 सब्स्टिट्यूशन मतलब 8 रिडक्शंस रिक्वायर्ड हुए। तो उसी को कैसे कंप्यूट करना है उसके लिए ये ग्रामर दिए गए थे, उसमें हर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमने सिमेंटिक रूल लिखा है, और इन सिमेंटिक रूल की हेल्प से हमने चेक भी कर लिया कि फाइनली क्या हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट हमारा 8 वैसे भी आ रहा था, और रूल के अकॉर्डिंग भी हमने सिमेंटिक रूल से भी चेक किया है तो हमारा आया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू।